नमस्कार, मैं हूं महिमा सूद और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सदी के महानायक बिग बी सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव रहते हैं ये तो सभी जानते हैं। अमिताभ बच्चन अपने विचारों को आए दिन अपने ट्विटर अकाउंट पर फैंस से शेयर करते ही रहते हैं। बिग बी की पर्सनल लाइफ की तस्वीरें हों या फिर उनके सेट की लोकेशन, अपने ट्विटर हैंडल पर वो सब कुछ शेयर करके फैंस को एकदम अपडेटेड रखते हैं। लेकिन बीते सोमवार को कुछ पाकिस्तानी समर्थकों द्वारा उनका ट्विटर हैंडल हैक करके उनकी प्रोफाइल पिक्चर बदलकर पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की पिक्चर लगा दी गई, जिसके बाद मेगास्टार के ट्विटर हैंडल हैक किए जाने पर पूरे बॉलीवुड और सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। हैकर्स ने ना सिर्फ उनके हैंडल हैक किया बल्कि उनका बायो भी बदल दिया। हैकर्स ने उनके बायो में लव पाकिस्तान लिख दिया और उनकी ओर से कुछ ट्वीट्स भी जारी किए। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि ये पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है, हम तुर्की फुटबॉलर्स के प्रति आइसलैंड गणतंत्र के गैर जिम्मेदार बर्ताव की कड़ी निंदा करते हैं। हम धीमी आवाज में बोलते हैं और हमने बड़ी जिम्मेदारी लेते हुए बड़े साइबर हमले की ओर आगाह करने का प्रयास किया है। वहीं आगे लिखते हुए हैकर ने अपना पता आइल्स टिम तुर्की साइबर आर्मनी बताया है। इसके अलावा एक और ट्वीट करते हुए हैकर ने पाकिस्तान के लिए अपना प्यार जताते हुए लिखा है कि भारतीय राज्य रमजान के महीने में उपवास करने वाले मुसलमानों पर बेरहमी से हमला करके खुद को इस उम्र में उम्मा मोहम्मद पर हमला करने वाला बना रहा है। यानी कथित तौर पर बिग बी के अकाउंट को हैकर ग्रुप आइल्स टीम ने अकाउंट हैक करने का दावा किया है। आपको बता दें कि ये वही ग्रुप है जिसने कुछ समय पहले अभिनेता शाहिद कपूर, अनुपम खेर और खुद बिग बी के लाडले जूनियर बच्चन का भी अकाउंट हैक करने का दावा किया था। इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस की साइबर यूनिट एक्टिव हो गई है और जांच में जुट गई है। हालांकि अब अमिताभ बच्चन का अकाउंट फिर से पहले जैसी स्थिति में ही आ गया है और हैकर्स की तरफ से किए गए ट्वीट्स को भी हटा दिया गया है। लेकिन बिग बी जैसे मेगास्टार के अकाउंट के इतनी आसानी से हैक हो जाने से पूरे सोशल मीडिया पर सनसनी फैल गई है, जिसके बाद लोग तरह तरह के ट्वीट कर मीम्स बनाने लग गए हैं। उनके ट्विटर अकाउंट हैक होने के बाद उनके अकाउंट पर कई यूजर्स ने अचानक पोस्ट करना शुरू कर दिया है। कुछ यूजर्स ने तो अभिषेक बच्चन को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। एक यूजर ने लिखा है कि मैंने पापा को पहले ही बोला था कि अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना अपने ट्विटर अकाउंट का, अब हो गया ना हैक। आई लव रेखा भी कोई पासवर्ड होता है क्या? जहां एक तरफ तरह तरह के मीम्स बन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हैकर्स द्वारा बिग बी का अकाउंट हैक किए जाने पर और उस पर एक तरीके की भारत को चेतावनी देना वाकई में चिंता की बात है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और जल्द ही ऐसी हरकत करने वालों को धर दबोचा जाएगा। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।